उमा भी कर रही है नाश्ता एंड शी हैज मेड उपमा वेरी टेस्टी टेस्टी। भी बनाया था आज भी हम खा रहे उपमा। रोटी खाना रे मन में आज पर अंदर अच्छा सो मेरी मम्मी ने सकाई दिला बोल रही थी के साथ मजा उपवास कर पांच तो पोए दी ले ले। सो अभी हम लोग जाने वाले हैं बाजार, तो आपको वहां पे मिलते हैं। बाय बाय। मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ मार्केट एंड एक हमाल चाहिए होता है ना, सो दैट इज मी। समझ सकते हैं बात गाइस। मार्केट मम्मी जा रही है, मतलब मम्मी ही सब ये करेगी, मैं तो सब पकड़ने वाली है ना। सो हमाल कैसी है? कोथिंबीर, कोथिंबीर कैसी है? 50 रुपया खाए क्या? झाड़ लगाए बाबू, आठ लाख खूब महंगे दे बाबू। क्या पूरा लेके जाओ? पूरा वो चल अभी तो भाजी बाबू अपन मिक्स भाजी बनवाने का भी लगन शिमला फ्लावर मिक्स भाजी एक बनवाने सर कैसे भाई? गाइस मैंने नहा दी है, मार्केट से आ गई हूँ मैं फट से नहाई एंड बहुत लेट हो गया है मुझे, कि खाना जल्दी बनाना है, 1 बजना है हमारा, कुछ खाना बना के हो गया नहीं। सो अभी हम लोग मैं जा रही हूँ सामान लेके, अभी दिन खाना बना के मिलती हूँ। गाइस मैं आ गई हूँ नीचे से एंड यहाँ पे बहुत सारा पानी है, शायद मैं गिर सकती हूँ। सो मैं फटाफट खाना बनाऊँगी, नहीं तो मेरी मम्मी मार डालेगी मुझे। सो बनाते हैं हम लोग खाना अभी। अच्छा इट्स गोइंग टू बी 2 o'clock एंड हमारा एंड ये देखो मैडम तो जब सबका कुछ ब्लॉग वगैरह देखना है पक्का नाश्ता चढ़ाना है। हम लोग को बहुत लेट हो गया खाना बनाने में, मतलब 12:30 बजे बनाना स्टार्ट किया। दिस इज मैं आपको बैच में मेरे से दिखा एंड दिस इज द राइस, अब देख सकते हो। सो ऑलमोस्ट खाना सब कुछ हो गया, दिस इज द चपाती, खाना सब कुछ हो गया है एंड शी इज क्लीनिंग। अभी पूजा होगा हमारा एंड देन फिर हम लोग रख देंगे खाना। ओके बाय बाय। एंड ये मैडम को देखो गुस्सा कर रही सुबह से काय देवन झाले आपले एका तासच झाले जेव आणि मी नाही केलं केलं पण मिचकत मिचकत झालं असत शेष आणि उंदी राहिली नसते ना मी तर तुमचं मग काय करू काय ठेवू। गाईस देख रहे हो सुन रहे हो आप, रोज हम लोग ऐसे ही करते हैं, आप लोग रोज ब्लॉग देख रहे हैं ना हमारा, तो टाइम पास सुनो भाई फटाफट काम है, सुनो आप सुनो इसकी बात ही सुनो फटाफट काम है ना एकदम। हाँ अजून बोल ब्लॉग मध्ये जो जातो समज घेणार। काजोल है ना, काजोल माहिती तुम्हाला या घरात जी राहते, एक कोमल आणि एक काजोल है, तो कोमलला मी तुम्हाला दाखवलं ती झाडू मारत होती, ही काजल है ना या घरात काहीच काम करत नाही, ते जेवण है ना ऑटोमॅटिक शिजत आणि यांच्या पोटात जात। सो समझ रहे मेरे बात को, देख रहे हो क्या हो रहा है हमारे घर, और आप लोग बोल रहे हो तुम्हारा क्या मजे चल रही है अच्छे अच्छे, देखो दिस इज द रियलिटी। एंड आप क्या बोलना चाहते हैं मैडम? मतलब सर जी ब्लॉग घेतलाय तुझं काय बोलायचं ते बोल पहिला। गाइस ये ब्लॉग में नहीं बोलती, इसका भी मैं बैक कैमरे से सब शूट करके डालूंगी, देखो आम कर काम। अगर मम्मी झाले आता जेवण ना। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं हार लेने के लिए एंड व्हाट एल्स,
इथे पाणी खाणार आपण तिथे. ऑलमोस्ट हम लोग लेट हो गए. और इधर खड्डे देखा कर खड्डा. चलो आपको मिलते हैं हर वाले के पास. अभी मिलेगा क्या नहीं पता नहीं, लेकिन ढूंढना पड़ेगा. आपण कोणा कोणासाठी ठेवतो? डॅडीला, दादाला आणि आजी आजोबाला जे नाही त्यांच्यासाठी एका दिवसात ठेव. एकाच दिवस मम्मीला माहिती. मम्मीला ते लिंबू कधी लावलेले असते तू दरवाजाला? लावले कधी विचारतोय दादा? अगं शनिवारी नाही का काय गेल्या? गेल्या शनिवारी विचारतो. त्याला नाही माहिती होत अगोदर. आता येतोय की नाही काय माहिती? आता येतच नाही तो. एकच दिवस येऊन गेलाय पण. कल म्हणतो कालवंटा भात टाक ह्याच्यावर भाजी पापड. अग्रिमांड पिस्ता के गाइस हम लोग देने के लिए पैक कर रहे हैं.
कोना को बाहर किसी अनजान पर्सन को मिल देंगे। अजून काय पॅक केलंय भी तसं ह्यात काय म्हणजे ह्यात खीर आहे आणि ह्यात भाजी आहे आणि उसमें है चपाती राईस अँड त्यात काय दोन दिन ह्यात काय पूजा कर उपाय पैक करके लेके जा रहे हैं, फिर रैंडम पर्सन को हम देंगे। हर बार हम यही करते हैं, मतलब पैक करते हैं टिफिन एंड किसी को तो एटलीस्ट एक फैमिली तो खा जाता है हमारा टिफिन, तो उनको हम लोग शेयर करते हैं एंड देन देखते हैं अभी कोई मिल, मतलब मोस्टली मिलता भी नहीं है कोई, दोपहर में जल्दी दिया तो उनका पहले ही खाना हो जाता है। लेट्स सी आता अपने ओके चलो हम लोग जा रहे हैं अभी एंड देखिए हम लोग को कोई मिलता है कि नहीं खाना देने के लिए, बिकॉज ढूंढना पड़ता है बहुत। हम लोग कर रहे हैं डुम्बोली जगह जाके एकदा तर दादरला गेलेलो, ठाकुर्लीवरून दादरला तू काही जेवण द्यायला गेलो। सो लेट्स सी कोई मिळतं आहे, मोस्टली तिथं असतात पण आता घेतलं पण पाहिजे कोणा कोणा जर भेटते एक फॅमिली मतलब ह्या पे रहते देखते अगर हम लोग मिळ नाही नाही दिसत आहे। मागच्या साईडला बघा अंकल झोपला, त्या अंकलला दिला तिथं राहतात, बघू का मी लेट्स चेक कर। मागे टिफिन आहे, मला टिफिनची टेन्शन। गाइस हमने कुछ क्लोथ्स भी लिया है जो हम यूज़ नहीं करते वो दे सकते, हम हर बार यहाँ पे ही आते हैं। हे फैमिली है, आंटी सोई है। आंटी आंटी खाना, दीदी दीदी खाना खाओगे? हाँ ये ले लो ना खाना, ले लो फ्रेश बना है। लगता है नहीं नहीं कुछ नहीं लगेगा उसके अंदर, चावल दा ये है ग्रेवी वगैरह और इसमें कपड़े भी है। ओके ओके चलेगा, ध्यान रखो हाँ बाय। पानी दे दू, पानी लेके दे दू, हे पानी खाना खा लो अभी हाँ चलो बाय। कोई नीडी है और आपसे हो सकता है तो हेल्प करना, हम मतलब जब भी हमारे ऐसी कोई दिन रहता है तो हम देते हैं एक फैमिली को, क्यों ना हो तो हम देते ही है। सो आप लोग भी करते रहना, आपका भी अच्छा होगा, आपको भी ब्लेसिंग मिलेगा। सो टेक केयर, अभी हम घर जाएंगे एंड खाना खाएंगे। हम हर बार वो ही करते, पहले बाहर खाना देते हैं कोई हमें मिला उसके बाद ही हम लोग खाना खाते, तो अभी हम लोग खाना खाएंगे। 3 o'clock हो गए एंड मेरी मम्मी बहुत क्यों पता है वो पीने का तांबे रहता है ना आप लोगों को पता होगा, लोटा सो वो एक भी नहीं मिल रहा है घर में एंड मेरी मम्मी इतनी बड़की है ना, लेट इट बी। हम लोग इसको शांत करेंगे, खाना देंगे, वो शांत हो जाएंगे। व्हाट यू से अबाउट लोटा? लोटा इज लाइक अ बिग प्रॉब्लम क्योंकि अभी मत बेचो, जब बहुत बड़े हो गए तभी किसको देना है तो दे दो, ऐसे बोल ली
विकनर का चला था, इसने विकला अरे हमने बेचा नहीं है, हमने सब प्लास्टिक के थिंग्स मोस्टली हमने घर से कम किए, तो उसको लग रहा है कि हमने वो भी दे दिया, रहेगा हमारे घर में अंदर, यूज नहीं करते तो बाहर निकल के क्या फायदा है, इसके लिए अंदर रखा है। सो गाइस हम लोग खाना दे के आ गए हैं एंड बहुत अच्छा लगा, एंड अभी हम लोग खाना खाएंगे एंड वरतून टाटा ने से टेरेस पर जो होते थे। सो अच्छा लगा खाना दे के, एंड आप लोग ऐसे मत सोचना कि हम वीडियो के लिए ये सब किए, हर बार हम खाना बाहर देते हैं ना, हर बार मतलब कुछ भी रहने दो, किसी का डेथ एनिवर्सरी या कुछ भी हम लोग खाना रखते हैं तो पहले हम लोग बाहर देते हैं देन हम खाते, तो ऐसे सोचना मत कि शो ऑफ के लिए कर रहे या वीडियो के लिए कर रहे, हर बार ए तू जा रही थी तो तू जाना, एंड मतलब ये छोटा सा अच्छा लगता है कि कोई फैमिली हमारे तरफ से कुछ एक बार का खाना खा सकेगा, तो एंड हर बार हम लोग व्लॉगिंग नहीं कर रहे इसके लिए आपको पता नहीं चलता है, अभी से हम लोग व्लॉगिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा। सो डोंट थिंक ये शो ऑफ है, दिस इज द थिंग जो हम लोग करते हैं वो दिखा रहे हैं आपको, आप लोग भी करना, इन्फ्लुएंस होना एंड क्या विचार करते हो तेरा कौन हाँ हाँ जेवले ये मुलगी आता है शॉर्ट्स वर्ती के लिए आना था लगे थे क्या खुदी हाँ तेरे को आता कोमा नहीं होता ना हाँ गाइस क्या हो गया पता, ये जो अंकल जा रहे हैं दो बाइक पे, मेरी बहन अभी जस्ट शॉर्ट पहनी थी वो एंड ऊपर से गई और मैं इमीडिएट शर्ट और प्लाजो पे उसको दिखी, तो वो सोच रहे हैं अभी मैंने एक लड़की को शॉर्ट पे देखा है एंड अभी उन लोग दोनों डिस्कशन कर रहे हैं। एंड गाइस हम फिर से नीचे क्यों आए रीज़न बताना था, सो अभी हम लोग जहाँ पे गए थे ना वो दीदी के पास खाना देने के लिए, सो उसने मुझे क्या बताया मतलब वो सोई थी एंड वो बीमार है एंड उसने मुझे बताया कि ना उसके पास हॉस्पिटल जाने पैसा नहीं है, तो मैंने उसको बोला कि पानी लेके दूंगी, तो लोग खाना नहीं खा रहे पानी नहीं पी रहे तो शायद वीकनेस एंड सिर में दुखता होगा। हाँ हाँ क्लाइमेट भी बहुत बेकार हो गया है यार, सुबह कभी कभी धूप गिरती है कभी बारिश, अभी तो बारिश का ये हो गया पूरा, तो भी मेरी और हमारे पास कैश भी नहीं था उसको देने का, मैं कभी करी बराबर था दिए चेक करना मीठ बा काय कोमा चपाती पाहिजे दादा ए तू तो जेवण कसं झालं मी मध्ये पेस्ट पण नाही केलं मग करना काय होते दा ती दही ती करी संपली रात्रीची दही करी हां निकिला भाजी कशी झाली आहे तुम्हाला बकरी मेरा दही करी आहे मामा हा मरा रात्री खाऊ दे दादा दही करी गरम करू का दादा दादाला रात्रीच दे ना ग वेज होता म्हणून विचार ये जास्त बोलू पण कशी झालेली कालची करी हां काय काय ते टाकलं होतं काय नाही टाकलं दही करीच होती ती नॉर्मली मला आवडत वडा वडा तो दही मम्मी बोललेली तसं टाकायचं मम्मी लास्ट में आपण तसं केलं This is my Jeevan. This is Koma ka Jeevan. Koma, smile. Bol kai teri. Guys, khana ko aaja. Aaj hum saath mein charo after one week khana kha rahe. Mila ja adi wan. Kaisa vaatla Jeevan? Ye bade bade puri hai chote chote. Ha. Patta patta kari. Maasu de na the puri, par mi kiti sang karna. काय बोलली पाणी पी एक गोट पी अगं पाणी प्यायचं तोंडात ठेवायचं पाणी
अच्छा नहीं कर रहे थे हां नहीं कर रहे थे ऑनर तो ऑटोमेटिक पानी की उतार जाते हैं व्हाट आई एम सेइंग इज मले एक सामने तो मतलब गाड़ी कितनी दूर से शुरू करेंगे दोन पहले दूसरी गाड़ी ठीक भी ना दिले ना हां चालू नहीं किया दो दिन चालू ली ये होता 2019 हां त्यानंतर आम्ही चालवत नव्हतो 2019 मध्ये रोड वरती चालवत नव्हतो एकटे एकटे जाऊन मग त्यानंतर काहीतरी इन्सिडेंट झाले जातो ना मग ट्रेननी अगं मम्मी तुला पण माहिती त्याला पण माहिती कोमाला पण माहितीये काय रिझन आहे आम्ही कशाला घाबरतो तरी तुम्ही तेच तेच बोलतायत हळूहळू आमची भीती जाणार आहे आम्ही चालवणार गाडी बघ आणि तुझ्या पहिला मी चालवणार काल आम्ही एक रोड दाख बघितला ऐक ना मी बोलली मम्मीला इथं घेऊन यायला पाहिजे गाडी शिकवायला तर आम्हाला तीन जागेवरती तिघांना थांबावं लागलं असं त्या काल एक मुलगा त्याच्या पप्पांना गाडी शिकवत होता हा आपल्याला तीन जागी ठिकाणी उभं राहायचं एक समोर मध्ये मम्मी सोबत आणि मागे मम्मी तू कशी पडली आणि आमच्या टायमाला बोलायची सोड सोड भडकलेले आणि आम्ही किती लहान होतो सायकल किती मोठी होती कोणाला पाडलेलं तुफानी नको बोलूस कारण तुफानी बोलला ना की पैसा ले जातो ते मला कळलं नाही ग पण आम्ही ते करणारच नाही कारण एक एक्सपिरियन्स करून बसलो अँड वी वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी साडेसातशेची आईस्क्रीम खाल्ली ना आणली ना परत घरी तुम्हाला पण आणली ना तुम्ही पण खाल्ली तीच आईस्क्रीम आणलेली नाही खाल्ली पण दुसऱ्या दिवशी मी तुम्हाला चारत होती किटकॅट बिटकॅट अगं मम्मी माहिती नव्हतं ते तेवढ्याला आम्हाला वाटलं असेल 100-200 ला नंतर बिल दिलं ना त्यांनी नंतर लास्टला पेमेंट झाल्यावर आम्हाला कळलं तुफानी झाले काहीतरी फालतुगिरी माहितीच नव्हतं जर माहिती असलं तर आम्ही घेतलंच नसतं आणि एवढ्या लाईफ मध्ये स्ट्रेस होता तेव्हा घालवायला नाही गेलो काहीतरी एक नवीन शिकलो की नेक्स्ट टाइम जर काय घ्यायचं असेल ना तर मग वेट करायचं बघायचं त्याची प्राइस माझ्या मम्मीची सिटी बघा मम्मी तुम्हार मार ना पटकन मार ग ये मेरी मम्मी की सिटी आमची मम्मी बोलते की गायत रुमाल बांधायचा नाही अशी सिटी वाजवते करायचं नाकावर बघा तिने एक शिकवली सिटी आता माझी सिटी बघा एक मला माझं बघू दे थांब ना अगं मम्मी जा ना मला येते की नाही मला बघायचं कोमा तू मारून कोमा येते कोमा गुंड आहे आपल्या घर का माझ्या सिटी ए मला पण येते पण माझी हवा निघत नाही ए मला येतच नाही मी पण ट्राय कर म्हण ना ए मम्मी थांब ना तू आहे येते आता मग हम लोग रेडी हो गए हैं एंड बाहर जा रहे हैं And मेरी मम्मी भी रेडी है कोमा तू काय करते तू काय करतोय
गाइस हम लोग अभी बाहर जा रहे बाहर जा रहे लेकिन ये सब मम्मी के ऊपर प्रैंक हो गया है। मम्मी प्रैंक है ना, चल ले मेरे मम्मी का आना ही नहीं था। ये मम्मी का आया थे खरा बोल तुझे नहीं बोली मम्मी हम लोग ने ना मम्मी को बोला हम लोग बाहर जा रहे हैं, मम्मी रेडी हो गई हम तीनों देखो। अच्छा बोलो तुम्ही लोग करने आए झाले का नाही गं आमचं तर प्लॅन होतं प्लॅन झालं तुलासच पकवायचं पण आता तुझ्यावरती आम्ही प्रँक पण केलाय आणि पण तुझी इच्छा नाही ना आता काय करायचं निखिलला जाऊ दे कॅन्सल खरं नाही ना इच्छा मम्मी काढ मग कपडे जाऊ दे नंतर आपण कधीतरी जाऊ टाइम चांगला घेऊ सॅटरडे संडे आम्ही नाही झोपलो आपण काहीतरी करूया चालेल मम्मी प्रँक कसा वाटला मेरी मम्मीने बाबा विचारीने कपडा चेंज के चौघ मेरी नाही पॅन्ट लेकी भेटी ती कुमा निखिल तू बघू प्लॅन आता जस्ट आमचं हे झालं प्लॅन तुझ्यावरती प्रँक करायचं काय ग मम्मी इथे तू जरा मम्मी इथे बस अरे भाई डायरेक्ट इग्नोर गाईज आपको बताती गाईज ऍक्च्युली हमारा प्लॅन था बाहेर जाने का मम्मी का मूड नाही था लेकिन ना अभी क्या हो गया पता है मम्मी ने कपड़ा पहन के आई एंड अभी हम लोग ने इसके ऊपर प्रैंक किया हम लोग बोले कि नहीं जाने उसको सच में लगा लेकिन उसको लग रहा है कि हम लोग ने प्लान किया है काहीच प्लान नव्हता हे डायरेक्ट ऑटोमेटिक झालं म्हणजे हे प्लॅन कोणाचं होतं माहिती माझा काहीच प्लॅन नाही एमी कोण आहे खतरो की खिलाडी गाईज मुझे खतरो की खिलाडी मे जाणं काय फायदा नाही घरात मांजर खिलाडी प्लीज 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 मी काही नाही करू शकत ते सगळं मग खतरो के खिलाडी ही गाईज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ ब्लॉग सेम ब्लॉग न्यू डे अनदर डे सो कल रात को हम भूल गए ब्लॉग एडिट करने के चक्कर में हम लोग ने एंड तो लिया ही नहीं सो वी आर एंडिंग यस्टरडेज ब्लॉग होप यू लाइक शेयर कमेंट करना